नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। कन्नौज नगर में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण रखा गया था। प्रशिक्षण देने के लिए कोयतोड़ गोंडवाना महासभा के प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष रामसिंह ककोड़िया, विनोद वट्टी, प्रदेश अध्यक्ष ट्राइबल गोंडवाना कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश, एनआर भुजारी, प्रदेश संयोजक विपिन टोपे, संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन मध्य प्रदेश पदाधिकारियों के द्वारा संवैधानिक प्रशिक्षण दिया गया। कन्नौज नगर में प्रदेश पदाधिकारियों के आगमन पर कोयतोड़ गोंडवाना महासभा के जिला अध्यक्ष महेश वारिवा, महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सीमा सल्लाम, आचार्य दौलतराम सल्लाम, राजेश्याम सल्लाम, सुरेश उइके एवं अन्य पदाधिकारियों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सीमा सल्लाम के द्वारा बताया गया कि कोयतोड़ गोंडवाना महासभा मध्य प्रदेश के हर शहर हर गाँव के छोटे बड़े कस्बे तक आंति छोर तक कार्यरत ये प्रदेश के कोने कोने में आदिवासी समाज के लोगों को शोषण अत्याचार और अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक करने का काम कर रही है। रामसिंह ककोड़िया के द्वारा बताया गया कि कोयतोड़ गोंडवाना महासभा का उद्देश्य यह है कि आदिवासी ट्राइबल सामाजिक लोगों को अपने संवैधानिक शैक्षणिक अधिकारों को जाने, जो हमारी पारंपरिक रूढ़िगत परंपरा, दिनचर्या, आर्थिक कमजोरी और आदिवासी समाज के हर एक छोटे बड़े लोगों को अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक करने का काम कर रही है। और आज हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों के द्वारा कन्नौज नगर में प्रशिक्षण दिया गया। विनोद सिंह बट्टी, ट्राइबल गोंडवाना अधिकारी कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष। आज कन्नौज जिले में जो हमारा आगमन और हमारे कर्मचारी अधिकारी संघ का जो हमारे कर्मचारी साथी हैं, उनसे हमारा एक जो मीटिंग था, वो एक प्रशिक्षण के माध्यम से उनको बैकलॉग से संबंधित जानकारी और उन्नति में आरक्षण से संबंधित जानकारी, जो हमारे मध्य प्रदेश शासन में रिक्त पड़े पद हैं, वो उनके संबंधित हमारा जो हमारा हक अधिकार है हमारे बेरोजगार बच्चों का, उस संबंध में हम लोगों ने यहाँ पे प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा था। बीसीएन न्यूज के लिए देवास से सहयोगी महेश वारिवा के साथ अरुण उइके की रिपोर्ट। पर्यावरण सुरक्षा की अनदेखी। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पेड़ लगाने को प्रदेश के लोगों को पेड़ लगाकर संदेश दे रहे हैं। वहीं पन्ना जिले की नगर परिषद के सीएमओ के द्वारा सामुदायिक भवन में लगे कई वर्ष पुराने अशोक के पेड़ों को कटवा दिए गए और स्वच्छता नाम दिया गया। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, यह बात सुनने में तो अच्छी लगती है, पर जमीनी हकीकत कुछ और है। तो क्या सच में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के नारे के साथ सरकार काम कर रही है? लेकिन जमीनी हकीकत देखने में तो ऐसा नहीं लगता। देश के ऐसे अधिकारी के द्वारा आने वाले समय को न देखते हुए पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और शासन की योजनाओं पर पानी फेर रहे हैं। जबकि नगर परिषद के द्वारा शासन के पैसों का उपयोग कर जगह जगह दीवारों में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ पेंटिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन देवेंद्र नगर के नगर परिषद सीएमओ ओपी दुबे के द्वारा हरे भरे पेड़ों को कटवा दिए गए हैं। मामला पन्ना जिले के तहसील देवेंद्र नगर अंतर्गत सलीहार रोड पर स्थित चिल्ड्रन पार्क का है, जहां पर नगर पंचायत सीएमओ ओपी दुबे के निर्देशन में दर्जनों हरे भरे अशोक के पेड़ों को काट दिया गया, जबकि नियमानुसार हरे भरे पेड़ों को काटने के लिए अनुमति लेनी होती है, जिसकी जरूरत भी नगर परिषद के सीएमओ ओपी दुबे द्वारा नहीं समझी। साथ ही इस संबंध में जब सीएमओ ओपी दुबे से बात करनी चाही गई, तो उन्होंने तर्क नहीं जवाब देते हुए कहा कि पेड़ों को केवल छटाई स्तर काटा गया है, जबकि मौके पर 20-20 फीट लंबे पेड़ों को 4-4 फीट के टंडल में तब्दील कर दिया गया है। एक तरफ जहां सरकार पर्यावरण बचाने के लिए एक एक पेड़ की सुरक्षा के लिए करोड़ों रूपए खर्च करने से नहीं चाहती, वही दूसरी ओर देवेंद्र नगर सीएमओ सरकारी मंशा पर पानी फेरते हुए बगैर किसी अधिकारिक अनुमति के दर्जनों पेड़ों को काटकर सरकार की करोड़ों रुपए की हरे भरे पर्यावरण की मंशा पर पट्टा लगा रहे हैं। ये आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, हम मौके की जांच पटवारी हल्का से और लेते हैं और सीएमओ नगर पालिका नगर परिषद देवेंद्र नगर से भी वस्तु स्थिति की जानकारी लेंगे और लेकर के विधि सम्यक जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी। बीसीएन न्यूज के लिए पन्ना देवेंद्र नगर से कैलाश पांडे की रिपोर्ट। सतवास में संत रविदास जयंती कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सतवास तहसील क्षेत्र के जगतिया टप्पर स्थित नवनिर्माणधीन संत रविदास मंदिर से प्रारंभ होकर नगर सतवास के बस स्टैंड से कन्नौज नाका तालाब, हनुमान मंदिर से बाजार चौक से सदर बाजार से पुनः बस स्टैंड होकर यात्रा मैदान पर आकर आम सभा के लिए एकत्रित हुई।
सभा को समाज के समाज सुधारक लोगों द्वारा संबोधित किया गया। जगतिया से सतवास तक विशाल रैली निकालकर संत रविदास सेवा समिति सतवास द्वारा संत शिरोमणि रविदास महाराज की 644वां जयंती महोत्सव मनाया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में संत रविदास सेवा समिति सतवास व जगतिया मध्य प्रदेश अध्यक्ष संगठन सतवास मध्य प्रदेश आकाश संगठन जय संगठन सतवास SC/ST/OBC अल्पसंख्यक मोर्चा सतवास द्वारा संयुक्त रूप से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह जानकारी देते हुए जेएस के जिला उपाध्यक्ष पप्पू बलराम कर्मा ने बताया कि इस रैली का समापन सतवास में हुआ, जहां पर संत रविदास जी महाराज को याद किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विभिन्न संगठनों के लोग महिला पुरुष उपस्थित हुए। BCN न्यूज के लिए देवास से अरुण उइके की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति के प्रदेश सदस्य ने प्रबुद्ध जन व आम नागरिकों से जुटाए सुझाव। आगर मालवा अंकित दुबे मध्य प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव में निमित्त भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न श्रेणी के नागरिकों से सुझाव लेकर संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा। प्राप्त सुझाव के आधार पर नगरीय निकाय में पार्टी चुनाव लड़ेगी तथा उनमें विजयी होने पर संकल्प पत्र की एक एक बूंदों को मूर्त रूप देगी। यह बात भाजपा नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति के प्रदेश सदस्य सोनू गहलोत ने कंपनी गार्डन स्थित मांगलिक भवन में विभिन्न श्रेणी के प्रबुद्ध जन व आम नागरिकों की जिला बैठक को संबोधित करते हुए कही। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महेश शर्मा तनोडिया ने बताया कि बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह बरखेड़ी, करण सिंह यादव, कैलाश गौली काका, मनोज बंटी उंटवाल आदि मंचासीन थे। बैठक का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र का पूजन व दीप प्रज्वलन कर किया गया। जिलाध्यक्ष बरखेड़ी ने बैठक में उपस्थित वरिष्ठ प्रबुद्ध जन, चिकित्सक, इंजीनियर, वास्तु चित्रकार, पर्यावरणविद, वकील, CA, प्राध्यापक, व्यापारी, उद्योगपति, पथ विक्रेता संघ, कामकाजी महिलाएं, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, रहवासी संघों के पदाधिकारी सहित गणमान्य नागरिकों को सुझाव आमंत्रित किए। बरखेड़ी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जो प्रबुद्ध व आमजन से प्राप्त सुझाव के आधार पर अपना चुनावी संकल्प पत्र बनाकर विजयी होने पर उसे लागू करती है। गहलोत ने उपस्थित प्रबुद्ध जन से सुझाव प्राप्त किए। नगर पालिका से दिनेश परमार, अजय जैन, महेश चौहान, सुधीर जैन, गोपाल कुम्हारकर, चंद्रमणि परमार, वंदना शर्मा, भूरुटांक यादव आदि। इसके बाद सोयत नगर पंचायत से नरेंद्र पाल सिंह जादौन, प्रदीप शर्मा, भारत सिंह, देवीलाल कुशवाहा आदि। नगर पंचायत सुसनेर डॉक्टर धीरेन्द्र पांडे, मुकेश हरदेनिया, भूपेंद्र शास्त्री आदि। नगर पंचायत नलखेड़ा से पिरुलाल कलेसिया आदि। नगर पंचायत बड़ौद से लाल सिंह राजपूत, सुरेश भावसार, रखब जैन, विक्रम सिंह चौहान, चंद्रेश शर्मा आदि। नगर पंचायत कानड़ से राजल गोयल, कन्हैया लाल परमार, मुकेश केलकर, बनेश सिंह चौहान आदि। नगर पंचायत बड़गांव से लक्ष्मी नारायण राजपूत, जयप्रकाश जमालिया, श्याम सुंदर पाटीदार, जय नारायण यादव आदि ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। गहलोत ने कहा, प्राप्त सुझाव के आधार पर संबंधित निकाय, संबंधित जिला व प्रदेश के संकल्प पत्र बनाए जाएंगे। बैठक का संचालन जगदीश गवली ने किया व आभार प्रेम मस्ताना ने माना। आगरा शहर में बड़ा तालाब का सौंदर्यीकरण कर बाबा बैजनाथ महादेव व मां तुलाजी भवानी माता का पुनः मेला प्रारंभ किया जाए। पंच सिविल अस्पताल पुनः प्रारंभ किए जाए। शहर में महिला डॉक्टर की व्यवस्था की जाए। गर्ल्स कॉलेज खोला जाए। नगर में प्रमुख मार्गों पर पार्किंग व्यवस्था की जाए। लाल गड्ढे से मटन मार्केट हटाकर शमशान का निर्माण किया जाए। मटन मार्केट, मछली मार्केट व चौराहे से अंडे हटाकर चिन्हित स्थान पर किया जाए। राडिया तालाब किनारे बसे लोगों को पुनः स्थापित किया जाए। स्वच्छता, स्वास्थ्य व पेयजल प्रदाय से जुड़े सुझाव प्राप्त हुए। सोयत, नलखेड़ा, सुसनीर, बड़ोद, कानड़, बड़गांव के नागरिकों ने भी विभिन्न सुझाव दिए। BCN न्यूज के लिए आगर मालवा से अंकित दुबे की रिपोर्ट। बुजुर्ग महिला ने बीमारी से परेशान होकर खाया जहर, उपचार जारी। रामलीला पति जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी मधुबन कॉलोनी महानंदा नगर निवासी ने रविवार शाम को 6 बजे घर में ही गेहूं में रखने वाली दवाई का सेवन किया। लगभग 14 साल से माइग्रेन और पिछले 2 महीने से पैरालाइज की बीमारी से ग्रसित है महिला। बीमारी से परेशान होकर जहर खाया, फिलहाल स्थिति खतरे से बाहर। महिला का एक बेटा है जो इंदौर के निजी कॉलेज में सर्विस करता है। ओल्ड माइग्रेन पेशेंट है, 2 महीने से लगवा है, जियट्रिक एज ग्रुप है, प्लस 70 एज है। जब आई थी शॉक में थी, सल्फाज खा लिया था इसने, मगर हमने इमीडिएटली वॉश वगैरह करके
डोपामिन और डोपामिन ड्रिप पे रख के इसको रिकवर कर लिया, अब तो आज बेटर है, खतरे के बाहर है। बीसीएन न्यूज के लिए उज्जैन से महरुद्दीन कप्तान की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।